generic principle and relativity. ठीक है, so next chapter is हमारा 10th chapter that is professional ethics in accounting and business. So what exactly is ethics? Ethics क्या होता है? Basic values. Kind of basic values. कुछ for example if I say कि I am a professional, I am a chartered accountant. So मुझे कुछ जो मेरी profession है, जो मेरा institute है, उसने मेरे लिए कुछ ethical चीजें बताई. Ethical means kind of values that I have to take care of. For example, I cannot charge excess from my clients. जो मेरे clients हैं, उनसे ज़्यादा पैसे नहीं charge करता. There's a limit that I need to charge. कोई भी मैं fraud नहीं कर सकता. जैसे I am a chartered accountant. I know all the loopholes के कहाँ कहाँ से पैसे घूम सकते हैं. But I shouldn't use them in accounting. मुझे बल्कि वो loophole से उस बंदे की गलतियाँ पकड़नी, उसकी चोरियाँ पकड़नी, ना कि उसको बताना है कि इन loophole से you can do these kind of things. And there's one more thing that in like big fours like in India lala companies जो होती हैं उसके अंदर लोग सर करके बुलाते हैं अपने higher authority लोग को वहाँ पे सर करके नहीं बुलाते, शायद नियम से ही बुलाते हैं. Like I don't work in India, मैंने एक साल पहले ही बच्चों है तो मुझे पता है वहाँ पे एक culture है, वहाँ पे क्यों मैंने बताया हुआ है इनको कि EY के अंदर you cannot, you shouldn't call your senior by your उसकी designation, you should call by name सीधा. उसका reason क्या है? उसका रीजन है बिकॉज़ दे आर फॉलोइंग नेशनल बस, सिंपल रीजन. कोई ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट बीइंग एथिक्स एज अ पार्ट. नहीं ऐसा नहीं. वहां पे अगर कोई बहुत सीनियर बंदा है, अगर इफ आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट सबसे लोअर लेवल और ग्लोबल लीडर आता है तो ग्लोबल लीडर को दे कॉल सर, सम पीपल कॉल सर. सो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ एथिक, दिस इज नॉट अ एथिक. एथिक इज कि वहां पे ये चीजें नहीं होंगी. यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो वैल्यूज क्रिएट करती है. ये जो चीज है, this is like a environment बना हुआ. This is more of an environment कि you should call your senior by his name. क्योंकि वेस्टर्न में यही होता है, बाहर जाओ, बाहर कोई सर मैम नहीं होता. बाहर सीधा सीधा होता है कि तुम नाम से बुलाते हो, सीनियर हो चाहे जूनियर हो. वो चीज यहाँ पे फॉलो हुई. बट अगर नॉट ओनली ये सिर्फ फॉलो होता है इन्वायरमेंट, बट अगर किसी और कंपनी में जाओ, इंडस्ट्रीज में जाओ, जैसे रिलायंस ये सब वो सब, वहां पे कोई अमानी आई अमानी क्या नो वन कैन से लाइक दैट. एक जूनियर अकाउंटेंट आई अमानी मतलब वैसे ही कुछ मॉरल प्रिंसिपल बने हुए कि ये चीज देखो कि क्या ये चीज फॉलो करो, गलत ना हो और इस चीज को हमें सही करना. Example, if I say कि I need to make a balance sheet. हम balance sheet बनाते हैं F3 में, हम सबने पढ़ी है balance sheet. Balance sheet के अंदर हमें true and fair view देना है. कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. जैसे एक ethic क्या है, मैं किसी की accounting check कर रहा हूँ. यार financial accounting क्या होता है? Financial accountant का purpose क्या होता था? रुफुस? एक होता था financial accounting और एक होती थी management accounting. तो financial accounting क्या होती थी? सिर्फ बैलेंस शीट बना के देना. सो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम क्या होता है? कंपनी वाले डेटा देंगे, वो डेटा एनालाइज समराइज करके एंट्रीज करके बैलेंस शीट बना के उसको वापस कर देगा. ठीक है, अगर वो बंदा मेरे पास आए, वो बोले कि सर मेरे को ना प्रॉफिट अपने बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं क्योंकि आई नीड टू टेक लोन, मैं क्या करूं? मैंने बोला सिंपल एक काम करो, तुम अपनी कुछ परचेजेस हटा दो, बिल्स भी हटा दो, एंट्रीज भी हटा दो. नो वन विल बी एबल टू ट्रेस के परचेज तुमने करी. कैसे पता चलेगा? तुमने बिल्स भी फाड़ दी, कोई रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारे पास की कंपनी में बिल्स मुझे जला रही हो, तो पर एंट्रीज पे डाल दी, दैट मींस परचेजेस कम होगी, सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ने से क्या होगा? तुम्हारे प्रॉफिट इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दीस आर टैक्टिक्स आई नो, बट मेरी वैल्यूज एथिक्स क्या कहते हैं कि मुझे गलत काम नहीं करना. सो दिस इज एथिक्स. सो एथिक्स इन दिस सिस्टम इज मॉरल प्रिंसिपल दैट एग्जामिन्स द कांसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग. बिजनेस एथिक्स इज द application of ethical values to business behavior. Whether an action is to be considered right or wrong normally depends upon number of factors. There are number of factors जो बताते हैं कि ये काम सही है या गलत. पहला है consequences. जैसे मैंने एक झूठ बोला, उस झूठ के बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, कोई छोटा सा झूठ चलता है तो आमतौर पर चलता है. लेकिन अगर मैंने कोई झूठ बोला जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बट बिजनेस में बहुत फर्क पड़ गया, so that is wrong. So consequence क्या होगा उस value का. दूसरा motivation behind the action कि जो ये moral value है इसके पीछे motivation क्या है, why we are doing this.
जैसे आईसीएआई ने बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट सीएस के लिए कि तुम ऐसे उल्टे काम नहीं कर सकते, इसके पीछे मोटिव क्या है, ताकि हमारा प्रोफेशन की वैल्यू टॉप पे रहे। अब जैसे बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए थे, नीरव मोदी वाला हुआ, बहुत पहले सत्तर का फ्रॉड हुआ था, तो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे वो भी जेल गए क्योंकि उन्होंने भी ये फ्रॉड करे थे, दे वर पार्ट ऑफ दिस फ्रॉड। ठीक है, सो वो चीज हमें नहीं करनी। सो मोटिवेशन है कि हमारी वैल्यू बने। थर्ड, गाइडिंग प्रिंसिपल, treat others as you would be treated. So like these act as a guiding principle for us, कि हमें वो guide करते हैं कि अगर तुम अच्छा करोगे society के लिए तो society तुम्हारे अच्छा करेगी। जैसे एक business के लिए एक ethical value क्या होती है कि environment गंदा नहीं करना, make as much profit as you can, sell as many products as you can, produce as much, but don't waste the resources. So this is kind of ethical value, कि treat others as like you would be treated. CS के लिए क्या है, इन्होंने बड़ा अच्छा, जब CS की वाली ट्रेनिंग होती है उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई, आई स्टिल रिमेंबर दैट। उन्होंने बोला तुम एक क्लाइंट तुम्हारे पास आ रहा, ही इज इन द नीड ऑफ अ CA, डेड नीड, उसको चाहिए अभी। तुमने उसको बोला कैसी बात है, ठीक है मेरे को पता लग गया कि इसको और कोई CA नहीं मिल सकता, काम भी आज कराना है, चलो गिव मी 50,000 मैं काम करूंगा। अब उसको जरूरत है, उसको वो काम कराना है, तो वो तुम्हें 50,000 चाहिए, रो के बेचारा कहां से मर्जी उसको देने पड़ेंगे, चलो उसका काम हो गया वो चला गया। कल को तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नीड अ डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज मैं 50,000 रुपए लूंगा, तो जो हमारा कहो क्या यार वैसे तो 10,000 लेता है ये 5,000 लेता है, इमरजेंसी केस में 50,000 लेता है, इतना गंदा डॉक्टर भाई। तुम भी ऐसे हो, एक बिजनेसमैन कभी भी जब मार्केट जाता है ना, कभी भी कोई बिजनेसमैन जब मार्केट जाता है वो कभी नहीं बोलता कि तुम बड़ी महंगी चीज दे रहे हो, ये सस्ता करो, बार्गेनिंग बहुत कम कराता है वो, क्यों, क्योंकि वो खुद ही अपनी चीज महंगी बेचता है। कौन सा बिजनेसमैन है जो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट बेचेगा, खूब सारा प्रॉफिट होगा, वो सीधा बोलता है भाई उसको भी घर, उसको भी रोटी खानी है, उसको भी चलाने का, जैसे मैं चला रहा हूं मेरे को भी गाड़ी लेनी है, उसको भी गाड़ी लेनी है, तो कोई बात नहीं चल तू ले, बिजनेसमैन समझते हैं। चलो एनीवे, उसके बाद की वैल्यूज सच एज द इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन की वैल्यू, ये सारे हमारे एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना, जस्ट ओवरव्यू देना इसको एक बार, जस्ट प्लेन थिंग। ठीक है, इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ ये टॉपिक नया है तो इलस्ट्रेशन से इट विल बी क्लियर फॉर यू। यू डिस्कवर दैट अ कलीग एट वर्क हैज बीन स्टीलिंग फ्रॉम अ कंपनी, फ्रॉम द कंपनी, एक कलीग तुम्हारी कंपनी से कुछ पैसे चोरी कर रहा है, व्हाट डू यू डू, डू यू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट व्हिच माइट लीड टू देयर डिसमिसल एंड लॉस ऑफ अ फ्रेंड। अगर तुमने मैनेजमेंट को बताया अल्टीमेटली हुआ क्या, तुम्हारा एक दोस्त कम हो जाएगा, तुम वो कंपनी से निकल जाएगा और तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर, डू यू कीप क्वाइट एंड रिस्क बीइंग पनिश्ड योरसेल्फ इफ योर नॉलेज ऑफ सिचुएशन लेटर बिकम्स क्लियर। मतलब डू यू कीप क्वाइट एंड रिस्क, कि बेसिकली ये क्या हो गया कि तुम चुप रहे ये सोच के, कोई बात नहीं धीरे आगे अपना पता चल जाएगा, कोई बात नहीं आगे अपना पता चल ही जाएगा। थर्ड, या फिर तुमने सोचा कि अगर मैंने ये बात बता दी और कल को मेरे ऊपर ही बात आ गई, जैसे आजकल जो रोड्स पे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो पीपल डोंट प्रेफर टू हेल्प दैट पर्सन, इसलिए नहीं कि उनका दिल खराब है, इसीलिए ये पुलिस वाले मेरे को फंसा देंगे इस केस। बहुत बंदे एक्चुअली ये काम करते हैं कि जब कोई बंदा रोड पे गिरा होता है, एवरीवन वांट्स टू हेल्प बट नो वन कैन, वो कहते हैं कल को मैं इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाऊं, उन्होंने मेरे को ही पकड़ लेना है। कई बार तो बंदे भी ऐसे होते हैं जो इसी को पकड़ लेंगे, इसी ने उड़ाया, सो तुम क्या करोगे, फंस जाओ, सो ये सिचुएशन होती है। थर्ड, डू यू अर्ज द कलीग टू कन्फेस what they have done, कलीग को, दोस्त को क्या बोलोगे कि भैया ये काम कर, या कंफेस कर दे कि तूने काम करा है। Does it depend upon size of theft, example एक रुपए का घपला किया है या $1,000 का घपला किया है। Does it depend upon how friendly you are with that colleague, so इस सिचुएशन में तुम जो डिसीजन लोगे you have to keep in mind lot of factors, there are lot of things that are coming in mind, यार दोस्त भी है मेरा, नहीं बताया तो कल को मैं भी फंस सकता हूं, या नहीं बताया तो अपने आप पता चल जाएगा, there are lot of things that you have to see। एक रुपए का जो वो फ्रॉड है, कोई चक्कर, $1,000 काफी ह्यूज अमाउंट है। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। यू कैन सी दैट एथिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉरल जजमेंट दैट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डिपेंड अपॉन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। सो एथिकल वैल्यू, हमारा एथिकल डिसीजन क्या होगा, इट कैन बी इन कंपनीज फेवर, लेकिन अगर मैंने कंपनी के फेवर में करा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, तुम इस सिचुएशन में हो, तुम्हारे फ्रेंड का बेटा बहुत बीमार है और उसको पैसे चाहिए और उसने बोला मैं बाद में एक दो महीने बाद कहीं ना कहीं से ये पैसे बिजनेस में डालूंगा। Now what you will do? कोई रिटर्न नहीं है, लॉ में नहीं लिखा होगा कि ये करना है,
एथिकल मतलब तुम्हारे अंदर की फीलिंग क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत, यू हैव टू जज। सो कई लोग क्या कहेंगे चल यार कोई बात नहीं कर लेते, बाद में डाल देंगे जैसे मर्जी करके। कई लोग क्या बोलेंगे नहीं यार गलत है तो गलत है, ऐसे तो बातों का करना शुरू कर देगा, कल को मेरे को पैसे चाहिए मैं निकाल लूंगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक आवर एथिकल वैल्यू। सो वी हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड व्हाइल टेकिंग अ प्रॉपर डिसीजन। सो अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। The study of business ethics is purely concerned with legal requirements. Is that true or false? Why? Sir, you said not lawful. इसमें not lawful था and इसके अंदर होता है moral value. Legal, moral value. हमें legal पे भी ध्यान रखेंगे कि अगर legally वो चीज नहीं करनी, fraud नहीं करना, that is also legal. But morally हम क्या करते हैं? So moral factors पे भी हमें ध्यान रखना है. So this statement is false. क्योंकि इसमें लिखा है purely concerned with legal. ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें एसीसी में क्वेश्चन कई बार यहाँ पे कुछ चीजों में फॉर एग्जाम्पल इज ओनली कंसर्न विद दिस या कैन बी कंसर्न, अगर यहाँ पे प्योर ना लिखा होता इज काइंड ऑफ कंसर्न विद लीगल, सो आंसर शुड बी ट्रू कि हाँ लीगल भी हो सकता है लेकिन प्योरली लिखा हुआ दैट मींस ओनली लीगल। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। अभी मैं तुझे क्वेश्चन कराऊंगा यू विल कम टू नो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि अभी एसीसी का एग्जाम हुआ था यहां पे, अभी एक बच्चे ने दिया था, दो बच्चों ने देना है, एक का होना है, अभी एक का हुआ था इंस्पोर्ट 87%। हां सो उससे बात हुई थी मेरी किसी बात, तो इसे फिर सर क्वेश्चन में जो पेपर्स आते हैं ना, ओ पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं सॉरी मोर ऑफ इसी तरह से घुमा के आते हैं, क्वेश्चन आसान है लेकिन बीच में कहीं पे नॉट डालते हैं इज नॉट कंसर्न्ड विद दिस, वो नॉट हमने पढ़ा नहीं और अपने क्वेश्चन का गेस करके आंसर दे दिया। तो कहता है सर मैंने एक क्वेश्चन को जैसा आपने बताया था रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस, एक बार नहीं पढ़ो, एक बार पढ़ो तेज, फिर दोबारा आराम से पढ़ो और अंडरलाइन जो स्क्रीन पे क्या कर सकते हो बट ध्यान से देखो, अच्छा ये स्पेसिफिक वर्ड, यू गेट 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, इनफैक्ट ज्यादा ही मिलते हैं, यू गेट 50 क्वेश्चन आते हैं 45-50 क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, दैट मींस यू गेट 120 अराउंड 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, प्रैक्टिकल नहीं है, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, बहुत इजीली हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब आते हैं एथिकल डिलेमा। ये एथिकल डिलेमा इस काइंड ऑफ लिंक्ड टू एथिकल वैल्यू, कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज है। एन एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व द सिचुएशन वेयर डिसीजन मेकर हैज टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग थिंग्स टू डू। एग्जांपल ऑफ एथिकल डिलेमा कैन बी फाउंड थ्रू आउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। एथिकल डिलेमा मतलब तुम एक सिचुएशन में फंसे हो कि अब तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। अकाउंटिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से बिजनेस डिसीजन हो सकते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग टू बूस्ट और सप्रेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब जो परचेजेस हमने ज्यादा, एग्जैक्टली परचेजेस हमने कम दिखा दिए। क्रिएटिव मतलब कुछ घुमा फिरा के तुमने मैनिपुलेट कर दिया ताकि प्रॉफिट इंक्रीज कर दिए, दैट इज क्रिएटिव अकाउंट करके तुमने प्रॉफिट निकाल दिया। डायरेक्टर्स पे अग्रीमेंट, शुड डायरेक्टर्स कंटिन्यू टू रिसीव लार्ज पे पैकेज इवन इफ कंपनी इज परफॉर्मिंग पुअरली, जो आजकल हो रहा है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं कंपनीज के, डायरेक्टर्स की जो सैलरी होती है 2-3 लाख पर मंथ होती है, इतनी उनकी सैलरी होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर दी नॉट ओनर्स बट ओनर्स के अपॉइंटेड बंदे होते हैं जो पूरा बिजनेस चलाते हैं। याद है ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स आर सेपरेट फ्रॉम डायरेक्टर्स, तो बिजनेस इज रन बाय डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स गेट लॉट ऑफ अमाउंट फॉर दैट, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि बिजनेस प्रॉफिट भी कमाए। अब क्वेश्चन इज कि अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो क्या डायरेक्टर्स को ज्यादा पैसे दें? अब यहां पे सिचुएशन, तुम अगर शेयर होल्डर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तुम आते हो, बोर्ड की मीटिंग में तुम बैठे हो, तुम ये डिसाइड कर रहे हो, चलो मैं एफआई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या तुम डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन कम करोगे या नहीं? कम करोगे। अगर कम करोगे तो बंदा कहेगा आप तुम्हें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं देता सर, वैसे प्रॉफिट अगर और डाल देना चाहिए अगर नहीं, वो सिचुएशन सही है। इस सिचुएशन में क्या करोगे, एक कंपनी पुअर परफॉर्म कर रही है एंड तुम उसको सेम पैकेज दे रहे हो, तो क्या तुम उसको सेम पैकेज आगे दोगे? ये बोलो क्यों सर, एथिक्स है सर, नहीं ऐसा कहीं नहीं, मतलब सर ऐसा भी तो नहीं लिखा कि आप उसकी पैकेजिंग कम करते हुए उस मतलब सारी गलत, मैं वही बता रहा हूं, दीस आर डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक, यही पॉइंट है। तो योर एग्जैक्टली पॉइंट इज राइट कि यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं पढ़ाएंगे, यू तुम कम भी कर सकते हो,
तुम कम भी कर सकते हो उसका पैकेज, ये कह के कि वी वर एक्सपेक्टिंग ये प्रॉफिट इतना होगा बट आपने इतना प्रॉफिट नहीं किया था, सो इस साल हम आपकी पे कम कर रहे हैं, अगर अगले साल ये टारगेट आप मीट करोगे आपकी पे बढ़ा देंगे, या फिर आप इसमें डिसीजन बहुत डिसीजन से, इसमें पॉइंट इज द वे यू हैव टू मैनिपुलेट योरसेल्फ टू से समथिंग जो दूसरे को इंपैक्ट इतने ईयर से प्रॉफिट कर रहा था वो, मतलब जैसे कंटीन्यूअस प्रीसीडिंग मतलब पहले के 5 ईयर से प्रॉफिट कमा रहा था, कमा के दे रहा था वो, बट 6th ईयर में नहीं दे पा रहा था, सर इसमें नहीं करेंगे दैट इज क्वेश्चन राइट, बट इस लाइन में कहां लिखा होगा कि पहले 5 साल प्रॉफिट कमाना है, हो सकता है फर्स्ट ईयर ही, वी कैन नॉट यू अज्यूम समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मेरे को सिर्फ ये सिचुएशन दी हो मैं क्या बोलूंगा डायरेक्टर को, सीधा मेरा आंसर क्या होगा कि भाई सुनो मैं आपका पैकेज कम कर रहा हूं इस साल, लेकिन आई एम प्रॉमिसिंग यू अगर अगले साल टारगेट सेल्स आपने अचीव कर ली तो मैं आपका पैकेज अभी जो चल रहा है 1.5 टाइम्स कर दूंगा, मतलब अभी आपको 2 लाख का महीना मिल रहा है मैं अभी 1.5 लाख कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने अगले साल पैकेज सेल अचीव कर ली मैं आपको 3 लाख कर दूंगा, तो इस चक्कर में इस साल का मेरा बेनिफिट हो गया इतना पैसा बचा लिया मैंने, और अगले साल अगर वो सेल्स बढ़ा देता है तो भी मेरे को बेनिफिट है, सो ये होता है काइंड ऑफ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक, ठीक है, ऐसी सी चीज है। थर्ड, शुड ब्राइब्स बी पेड टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली इन कंट्रीज वेयर सच पेमेंट्स आर कॉमन प्लेस, इसका आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्या हमें उस कंट्री में ब्राइब देनी चाहिए जहां पे ब्राइब दिए बिना काम नहीं होता, लीगली नहीं देनी चाहिए बट मॉरली ऑप्शन ही नहीं है, मैं नहीं दूंगा कोई और भी काम ले लेगा क्या करूंगा, इंडिया बेस्ट एग्जांपल, पुलिस वाला है, पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट रहा है तुम उसको बोलोगे यार 500 रुपए लेके मेरे चालान अभी फ्री कर दे, अगर तुम कहोगे कि तू गलत है यार मैं इंडियन हूं मैं ये करूंगा मैं चालान कोर्ट में जाऊंगा, तुम कोर्ट में जाओगे तुम्हारा 1000 रुपए का खर्चा देगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, वो पैसा सरकार को जाएगा, सरकार ने अल्टीमेटली घूमेंगे नहीं को देना है या सरकार खुद खा जाएगी, वो भी हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो 500 रुपए देके छुट्टी करो, तुम अगर 500 रुपए दे रहे हो दैट मींस लॉस तो तुम्हारा हो ही जाए, सबक तो आ ही जाए कि 500 रुपए उड़ गए भाई, है ना, सो दीस आर काइंड ऑफ एथिकल डिसीजंस। इसके बाद आता है शुड इनसाइडर ट्रेडिंग वेयर द एग्जांपल डायरेक्टर्स मे बी टेम्प्टेड टू बाय शेयर्स in their company knowing a favorable announcement would be made in order to boost the share price. Insider trading to वैसे भी allowed नहीं। Insider trading क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास एक company है। Information है सबकी वो मतलब बांट रहा है information मतलब जैसे नहीं वो बांटने का जैसे I'm a promoter of a company मेरे को पता है कि company के results आने वाले हैं अभी quarter end होगा quarter end के बाद results आने वाले हैं तो बहुत अच्छे आने वाले हैं so जैसे results अच्छे आएंगे मेरे company के नहीं मैं खुद ही मेरी कंपनी के शेयर्स बहुत ऊपर जाने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा मेरे को पता है कि 1 महीने बाद रिजल्ट अच्छे आएंगे मैं आज ही शेयर बहुत सारे बाय करूंगा सर बट आप तो अपनी कंपनी जिसके ऊपर ऑडिट कर रहे आप खरीद नहीं सकते ऑडिट नहीं कर रहा मैं डायरेक्टर हूं अच्छा डायरेक्टर मैं तो मैं डायरेक्टर हूं कंपनी मैं ना डायरेक्टर मैं तो ओनर हूं मैं तो ले सकता हूं तो डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर बाय कर लिए और वो ये तो है नहीं कि 1-2 शेयर बाय करेंगे वो सीधा लाखों में शेयर बाय करेंगे लाखों में धीरे धीरे टुकड़ों में शेयर बाय कर लिए रिजल्ट तब रहा है कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ गए ऊपर चढ़ते ही कंपनी ने अपने शेयर क्या कहते हैं व्यूज में मैंने बेच दिया पैसे कमा लिए दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग क्या फिर उसने गलत कर दिया हां दिस इज नॉट अलाउड आम जनता दिस इज नॉट अलाउड हां आम जनता जैसे मैं को नहीं पता था रिजल्ट आने सोचो जब मैंने वो शेयर का रिजल्ट अच्छा आया इसमें चीजें क्या पड़ती है पता है जब शेयर का रिजल्ट अच्छा आता है उस टाइम पे शेयर एकदम सुपर मार्केट अब तुम्हें नहीं पता रिजल्ट अच्छा कब आया हां बट आपको पता है मेरे को पता है मैं डायरेक्टर हूं तो मैंने 4 दिन पहले ले लिए कि 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होता है जैसे ही कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे बंदे होते हैं आसपास तो जब रिजल्ट आएगा ना रिजल्ट आने से 15-20 मिनट पहले आधा घंटा पहले जो न्यूज आती है ना जिन जो रिपोर्टर्स होते हैं न्यूज वाले दीज ऑल आर लाइक प्लेयर्स दे आर बिजनेस प्लेयर्स ये अपना फायदा देखते हैं ये क्या करेंगे न्यूज पता है कब देंगे जाके जब शेयर ऑलरेडी पीक पे होगा एग्जाम्पल एक शेयर 100 का चल रहा है हमें पता है रिजल्ट बहुत अच्छा है ये आज ही के दिन 120 का हो जाएगा ठीक है अब वो शेयर बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी तक मार्केट में कोई न्यूज नहीं आई तो मुझे क्या लगेगा हो सकता है कुछ वैसी फ्लक्चुएशन हो रही हो या हो सकता है किसी ने बल बाइंग करी मुझे नहीं पता और जब टीवी में न्यूज आई उसके बाद मैंने वो शेयर बाय कर लिया अब उस टाइम पे वो ऑलरेडी पीक पे है डायरेक्टर उस टाइम पे अपने शेयर बेचेंगे फुल में तो जब वो बेचेंगे मेरा नुकसान हो जाएगा तो ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग व्हिच इज नॉट अलाउड
Clear? So insider trading are not allowed. So these are accounting issues. इसके बाद आते हैं production issues. Production issues क्या होते हैं? Should the company produce certain products at all? Example guns, pornography, tobacco, alcohol, drinks. क्या ये बनानी है कि नहीं बनानी? These are issues मतलब ethical issues हैं. This is the point. Can be the ethical dilemma कि मैं करूँ तो क्या करूँ? टबैको या सिगरेट्स वगैरह लोग सड़कों पे कहीं भी पी रहे होते हैं, वहां बिल्कुल लीगल है, वहां को ही रोका तो बेचो, वहां क्या दिक्कत है? लेकिन इंडिया में, अब इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होते, बाबा इंडिया में ये सारे बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इनफैक्ट आई एम प्लानिंग समथिंग बात बताऊं, तुम मूवी देखते हो, मूवी में लिखा होता है टबैको या सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसी सीन के बाद मूवी स्टार सिगरेट पी रहा होता है, जब तुम चाहते ही नहीं लोग पिए, तुम उनको मना कर रहे हो, तुम खुद इसको प्रमोट कर रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग समथिंग व्हिच यू डोंट वांट पीपल टू हैव, वो जो भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं सर, हमने तो पहले कहा था मत पियो, और उसकी निक्चिंग नीचे वो पी नहीं जा रहा है जो पी रहा है तभी चिल्ला होता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ तो क्यों दिखाते हो वो चीज जब वो ड्रिंक कर रहा होगा ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ तो क्यों दिखाते हो बिकॉज़ दिस इज रिक्वायरमेंट वो जो सिचुएशन उन्हें बनानी होती है कि बंदा गैंगस्टर है गैंगस्टर बंदा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा बता रहा हूं पिएगा गैंगस्टर बंदा सिगरेट ही फूकेगा पता लगेगा कि वो गैंगस्टर है तो पिक्चराइजेशन ऐसी हो सो वो सिचुएशन है कि वैसे तो मुझे लॉ कहता है कि नहीं करना लेकिन मुझे करना है सिगरेट के डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है गंदी सी फोटो बनी होती है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग लेकिन फिर भी बिकती है क्योंकि कंपनी को क्या है अब लोगों को नशा चढ़ा हुआ है गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकती है कि मत पियो लेकिन गवर्नमेंट ने बैन कर दी तो लोग मर जाएंगे क्योंकि लोगों को एडिक्शन है इस चीज कॉर्पोरेट ऑफिस में स्पेशल वो होता है स्मोकिंग रूम क्यों क्योंकि उनको पता है लोगों को एडिक्शन है कई लोग सिगरेट जोर जोर से पीते हैं कि बाद में कोई एडिक्शन हो जाती है So that is something ये situation आती है जहां पे तुम और problem में हो सकता है ये सही है नहीं answer किसी का नहीं दे सकते this depends upon situation these are ethical problems के ये situation ऐसी ऐसी situation आ सकती है ये वही बता रहे हैं जो question है ना हमारे ये question नहीं बता रहे कि life में ऐसी situation आ सकती है कि जहां पे तुम्हें खुद का decision लेना पड़ेगा कोई law नहीं बताएगा you have to take some decision of your जो तुम्हें अंदर से ठीक लगता है वो चीज़ दूसरा क्या सकते हैं Should the company be concerned about effect on environment of its production process? अब वैसे तो yes, environment पे ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हें पता है कि भैया अगर मैं environment धंधा नहीं करूँगा, मैं profit कमा नहीं सकता। जैसे भट्टी, ईंटों की जो भट्टी होती है, उसमें से कितना धुआं निकलता है? अब ईंटें तो बंद हो सकती है ना अभी? और कोई इसको alternative उसका नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी आएगी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो वो तो करना ही पड़ेगा। ईंटें नहीं बनेगी तो घर नहीं बनेगा। बिना ईंटों के घर नहीं बन सकते। So, कुछ इन एनी केस मेरे को वो चीज करनी पड़ेगी ऐसे डिसीजन शुड द कंपनी टेस्ट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स अब तुम कहोगे नहीं लॉ को लेकर नहीं बट अगर मान लो बिना एनिमल के टेस्ट करे तुम चेक ही नहीं कर सकते बंदे पे करा और बंदा मर गया तो बंदा तो केस कर देगा एनिमल पे टेस्ट कर लेते हैं ना वापस रिपीट कर ले बात सुन शुड द कंपनी टेस्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल शुड द कंपनी टेस्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल जैसे दवाइयां होती हैं इंजेक्शन होते हैं बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो एनिमल पे टेस्ट किए होते हैं कि जैसे क्या होता है जैसे मंकीज होते हैं मंकीज की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काइंड ऑफ ह्यूमंस की तरह ही होता है सो अगर एक मंकी मान लो उसको नींद नहीं आ रही एग्जांपल उन्होंने वो मेडिसिन उसको दी और उसको नींद आ रही तो उनको पता लग जाएगा कि मेडिसिन जो है वो स्लीप के लिए तो वो उसका थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट निकाल के मार्केट में लोगों को इंसान को दे सकते लेकिन अगर उन्होंने मान लो किसी इंसान को वो मेडिसिन दे पहले अपने ऑफिस में किसी करीब और वो मर गया या उसको साइड इफेक्ट हो गया तो ह्यूमन राइट्स वाले आके मार देंगे उसको कि तूने तो बंदा मार दिया एनिमल में कौन है यूनिट कोई भी नहीं सो ये गलत भी नहीं है सही भी नहीं अगर एनिमल्स भी नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे अपने आप पे करूंगा टेस्ट तो करना पड़ेगा साइंस में फॉर्मूला जो साइंस में जो मिक्सचर बनते हैं किसी चीज पे तो टेस्ट करना पड़ेगा प्लांट्स पे कर नहीं सकता सो आई नीड सम एनिमल जिस पे मैं कर सकूं अब ये भी तो ये सिचुएशन है तुम्हारे पास अब ऐसे ही इश्यू सेल्स और मार्केटिंग में क्या हो सकता है थोड़ा सा लेट्स डू इट अ बिट फास्ट और स्लो गेम और क्या हो सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग इश्यूज में
price fixing and anti-competitive behaviors may be overt and illegal or may be more subtle. Price fixing मतलब जैसे Coke और Pepsi ने set कर दिया कि हम 85 से नीचे 2 लीटर की Coke नहीं बेचेंगे. This is price fixing. तो दोनों का देखो. Price ceiling मतलब. हाँ. Price ceiling. You can say ceiling. This is like एक committee बन जाती है उस same product की कि इतने से कम नहीं बेचना. अगर तू कम करेगा मैं भी कम करो. तू कम करेगा मैं भी कम करो. Problem क्या होगी? Only beneficial will be customer. ये government fix करता है producers fix करता है. Producers. तो सर प्राइस सीलिंग को गवर्नमेंट फिक्स करता है तो सेम नहीं होगा क्योंकि ये तो प्राइस फिक्सिंग प्रोड्यूसर सेट करते हैं प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट की प्राइस सीलिंग अलग होती है दैट इज केस वो बेसिकली चलता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि इससे ऊपर आप चीज नहीं बेच सकते हां दैट इज गवर्नमेंट सीलिंग इसमें जो पॉइंट द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि लोगों ने प्रोड्यूसर्स ने कंपनी बना ली इज नॉट एसोसिएशन बना ली कि हम इससे सस्ता चीज नहीं बेचेंगे अब पहले क्या होता था जियो था जियो जब नहीं था तो वोडाफोन एयरटेल के प्लान बिल्कुल सेम थे तू देखो बेनिफिट सबसे सेम मिलते थे ऐसा नहीं कि एयरटेल में ज्यादा मिलते थे वोडाफोन में कम वो क्या करते थे वो डेली इशू देते वो आपको मोबाइल के पेयर मिल जाएंगे या मोबाइल की आपको एक साल की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे देंगे या फिर उसमें आपको विंक का सब्सक्रिप्शन दे देंगे वोडाफोन कहते थे वोडाफोन प्ले का सब्सक्रिप्शन देंगे बट प्लान सेम था ये एंटी कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कि कंपटीशन फालतू बना बनाए जियो ने आके सब क्राप कर दिया फ्री में दे दिया इस चक्कर में क्या हुआ सबने प्राइसेस अपने कम कर दिए और इसकी वजह से क्या हुआ मार्केट सारी ही अब अल्टीमेट बेनिफिट किसको हुआ कंज्यूमर को फ्री में जियो का 2 साल पे रहे सब खूब नेट देखा ये रहे अब आजकल ये वोडाफोन एयरटेल के सारे लॉसेस में जा रहे प्लान है कि इनके कहां पहले 500 रुपए होने ही बढ़ा दिया मतलब अब जियो ने भी रेट अब जियो भी एक कमेटी बन गई कि जियो के भी रेट ये रखने पड़े आप उसमें फीचर्स अपने एडिशनल दे दो जैसे कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा लेकिन आप रेट में फर्क नहीं कर सकते सर बट ये हर कोई भी तो नहीं कर सकता बंदे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए हां वो तो है अब मैं वही बता रहा हूं जैसे मानो कोक और पेप्सी है बहुत सारा ये कंपनी कोक 85 पे 84 कर दे हर बंदा कोक की बॉटल लेगा कोई फर्क तो नहीं ब्लैक कोक और पेप्सी नुकसान किसका पेप्सी का पेप्सी लेगी तू देख वो 83 का कर दे वो 83 का करेगी कोक 82 का कर दे और अल्टीमेट बेनिफिशियल कौन होगा कंज्यूमर सो इसीलिए ये कुछ कमेटीज बन जाती है इसके बाद इट इज इजी एथिकल टू टारगेट एडवर्टाइजिंग एट चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल फास्ट फूड और एक्सपेंसिव टॉयज एट क्रिसमस जैसे फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बच्चे खा रहे हैं फास्ट फूड है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ क्या जरूरी है शुड प्रोडक्ट्स बी एडवर्टाइज्ड बाय हम सबटल मतलब क्या होता है इसके भी सबटल मतलब कि फिक्स फिक्स यू कैन नॉट बी चेंज नॉट रिजिड काइंड ऑफ शुड प्रोडक्ट्स बी एडवर्टाइज्ड बाय जंक ईमेल और स्पैम ईमेल्स जैसे तुमने अपनी ईमेल खोली होगी उसमें फालतू ईमेल डाल दिया तुम या तो स्पैम में भेज देते हो या डिलीट कर देते हो उसकी तो मैं तो चेक भी नहीं करी हूं कभी मैंने खोल के देखा पता नहीं कितनी हजार ईमेल पेंडिंग पड़ी हुई कोई नहीं चेक करता बस ठीक है सो वो ईमेल सारी क्या होती है स्पैम ईमेल एडवर्टाइजमेंट जैसे WhatsApp एडवर्टाइजमेंट क्या आती है कि इस लिंक को क्लिक करो फाइव ग्रुप में शेयर करो यू विल गेट रेडमी फोन फ्री क्या हुआ कुछ होगा नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट होगी रेडमी फोन की वो फाइव पे भेजेगा वो फाइव पे भेजेगा फोन किसी को नहीं आया वो ऐसी बेवकूफ बनाते हैं ठीक है ऐसी आते हैं तुम्हारे पर्सनल इश्यूज एक बार पढ़ लेना एक बैलेंस होना चाहिए बट एमएनसी जो सर ऐसी होता है एमएनसीज में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये लिखा होता है कि टाइमिंग ये है बट ड्यू टू वर्क यू मे बी आस्क्ड टू सेट टू स्टे एक्स्ट्रा हां ऐसा नहीं लिखा होता कि हर बार होगा बट वो एक सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा यू मे बी आस्क बट उसमें तो चाहते हैं चैलेंज मे बी होता है यहां तो हर बार होता है कैन भी होता है कि करना पड़ेगा मे बी होता है कभी कभार यहां तो रोज ही बिठा देना तुम्हें सो वो तुम चैलेंज कर सकते हो The workplace must be safe and healthy place to operate in. अब अगर ये चीज़ है, workplace must be safe and healthy place to operate in. जो लोग iron पिघलाते हैं, वो factory जो होते हैं, जहाँ पे iron को पिघलाया जाता है, वो safe कैसे हो सकते हैं? कभी भी safe नहीं हो सकते। iron पिघला रहे हैं, कितनी heat होती है, और सारे labor ही होते हैं वहाँ पे, क्या करें? कोई option नहीं। तो ये situations हैं जहाँ पे तुम फंस सकते हैं। अब आता है
अप्रोचेस टू एथिक्स. अब अप्रोचेस टू एथिक्स क्या होता है कि हम क्या सोच के अपना जवाब दें, काइंड ऑफ क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है. सो मार्केटिंग मेकिंग एथिकल डिसीजन इज ऑफन नॉट एन इजी प्रोसेस. इंडिविजुअल्स मे फाइंड देमसेल्व्स फेसिंग एन एथिकल डिलेमा एंड कुड बी अनश्योर ऑफ द करेक्ट एक्शन टू टेक. देयर आर सेवरल पॉसिबल अप्रोचेस टू मेक दीस काइंड ऑफ डिसीजंस. जैसे फर्स्ट अप्रोच इज कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच. अब इसका मतलब क्या है? Consequential approach. So what is consequential approach? This approach states that a decision is right or wrong depending upon the outcome of the decision. As long as the outcome is right, then the action is irrelevant. मैंने झूठ बोल के वैसे ही थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ सर मैं कल रात को लेट गया था ऑफिस से. उन्होंने पूछा तो रात को लेट गया था? मैंने कहा हाँ सर मैं लेट गया. मेरे दोस्त ने काम बोला तो झूठ बोला तो जल्दी चला गया. क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना, मैंने काम टाइम पे खत्म कर दिया. एक सेकंड, हाँ बैठो या अभी एक काम होगा बाहर बैठो ना. दिवेश आ गया, चलो बात में बैठो ना. ठीक है. सो कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच क्या होती है? कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच क्या होती है कि तुम अगर उसका डिसीजन का जो आउटकम है उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो तुम कहोगे कोई बात नहीं होने दो. एक एथिकल अप्रोच ही होगी कि जब तक किसी डिसीजन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा तुम कहोगे कोई बात नहीं चलने दो इसे. ठीक है. इसके बाद आती है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है. दिस अप्रोच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू फर्दर प्रोस्पेक्टिव्स. पहला होता है इगोइज्म. इगोइज्म मतलब कि तुम देखोगे सिर्फ अपना फायदा कि क्या उस डिसीजन से मेरे को तो नुकसान नहीं हो रहा. मेरे को नहीं नुकसान हो रहा कोई फर्क नहीं, जिसको मरना है मरने दो. आई नीड टू जस्ट, मेरे को तो नुकसान नहीं हो रहा बस. That's an egoism. The action is morally correct as long as outcome is favorable for individual making the decision. कि जो मैं decision ले रहा हूँ भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, मैं ठीक हूँ. So that is egoism. उसके बाद आता है utilitarianism. Utilitarianism क्या होता है कि मैं देखूंगा कि क्या इसमें पूरे ग्रुप का नुकसान तो नहीं हो रहा या इसमें ग्रुप का फायदा हो रहा है, मतलब सबका सोचूंगा, अब सबका भला अपना भला वो चीज. This action is considered to be morally correct if the greater, if the outcome is favorable for greatest number of people and greater good. मतलब सबको फायदा हो रहा है. अगर सबको फायदा हो रहा है तो decision वो सही है. जैसे for example अगर मैंने बोला कि कल हम सब लेट गए, चाहे सब जल्दी चले गए थे घूमने फिरने चले गए थे, तो मेरे decision से सबको फायदा होगा, किसी को गाली नहीं पड़ी होगा, तो the decision is correct. लेकिन अगर मैं बोलूं मैं तो रुका था, बाकी को नहीं पता, मैं दूसरे रूम में बैठा था इनका नहीं पता, दैट इज मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूं. ईगो इज ईगो. ठीक है. सो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच भी क्या होगा, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच भी क्या होगा, यही होगा कि मैं अपने जो डिसीजन है फायदा देखूंगा कि अगर फायदा हो रहा है तो वो डिसीजन सही है. ईगोइज्म में आ जाएगा अपना फायदा, यूटिलिटेरियनिज्म में आ जाएगा ग्रुप का फायदा. ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ एन अकाउंटेंट इज आस्क्ड टू कवर अप अ मेजर फ्रॉड विद इन द कंपनी दे वर्क फॉर. एक कंपनी में मैं काम करता हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे को बोला गया कि बड़ा तगड़ा फ्रॉड होगा उसको छुपा दे. ठीक है. एन ईगोइस्ट अप्रोच क्या होगी, व्हिच मे लीड टू अकाउंटेंट रिफ्यूजिंग टू डू सो. ईगोइस्ट अप्रोच क्या होगी कि भैया मैं तो दिखाऊंगा, कल को अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो सबसे पहले तो मैं चले जाऊंगा क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूं ना, मैं तो दिखाऊंगा ही. तो दैट इज ईगोइस्ट अप्रोच. यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होगी, यस सर, दिस वुड बी बिकॉज इफ द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड डिलीटेड इट द अकाउंटेंट रिस्क सीरियस पेनल्टी. अब आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होगी, वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, अरे फ्रॉड नहीं दिखा था, मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए फ्रॉड हुआ था, सबका फायदा हो जाएगा नहीं दिखाने से फ्रॉड. दैट इज यूटिलिटेरियन अप्रोच. सर कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए सर, यूटिलिटी डिपेंड्स, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ तुम्हें कौन सी अप्रोच करनी. दिस इज योर डिसीजन व्हिच अप्रोच यू वांट टू फॉलो. इट जस्ट लाइक सिचुएशन ऐसी है, दीज आर ऑप्शंस दैट यू कैन टेक. इगोइज्म वाला भी अपनी जगह सही है, वो भी गलत नहीं है, यूटिलिटेरियन वाला भी सही है. ठीक है. यू विल नॉट बी आस्क्ड द क्वेश्चन कि तुम क्या सिचुएशन में रहोगे, वो तुमसे पूछेंगे बताओ इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो हुई. तो वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम पैटर्न. ठीक है. सो नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू कीपिंग क्वाइट इज आल्सो लाइकली टू बी अनएक्सेप्टेबल एज द फ्रॉड मे वेल डैमेज द रिटर्न्स ऑफ शेयर होल्डर एंड वुड पुट लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज एट रिस्क. As such, reporting the fraud is likely benefit to greater number of people rather than allowing it to continue. अब ये point क्या कह रहा है? Egoism वाले ने fraud इसलिए बताया था क्योंकि उसको था कि मैं फंसाऊंगा, तो इसलिए मैं बताऊंगा. Utilitarian वाले ने बताया, report करा, but क्या उसकी mentality थी?
कि अगर ये रिपोर्ट नहीं करूंगा तो भैया कंपनी फ्रॉड हो जाएगी, सारे जो इंप्लॉइज है वो जेल चले जाएंगे और सबकी नौकरी चली जाएगी। पर फ्रॉड उसने ही बता दिया, फ्रॉड तो बताया लेकिन सोच अलग थी, डिफरेंट थिंकिंग थी। पहली इगोइज्म वाली, मैं ना बचूं, दूसरी कि सबका भला हो, कि अगर बताने से सबका भला हो रहा है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज ईगो अप्रोच एंड यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो दैट वॉज कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच, या कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। इसके बाद आता है प्लूरलिस्ट अप्रोच। प्लूरलिस्ट अप्रोच क्या कहती है, सब शेयर होल्डर को खुश रखना है, किसी का नुकसान नहीं करना। प्लूरलिस्ट क्या होता है, शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, किसी का नुकसान नहीं करना। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स विदाउट सीरियसली कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन ग्रुप। मतलब स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक्स, कस्टमर, आम पब्लिक, ये सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो बेसिक पॉइंट प्लूरलिस्ट अप्रोच का क्या होता है कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को शेयर होल्डर का फायदा देखना है और बाकी को नुकसान करो। मतलब सबका फायदा होना चाहिए और किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे इन्वायरमेंट का हो जाए लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करो, कि इसका नुकसान करके वहां से फायदा करो। दैट इज प्लूरलिस्ट अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, अ माइनिंग कंपनी में विश टू ओपन अ न्यू माइन इन ऑर्डर टू एक्सेस मिनरल डिपॉजिट एंड अर्न इट्स शेयर होल्डर अ लार्ज प्रॉफिट। हाउएवर लोकल रेजिडेंट्स मे बी अनहैप्पी ड्यू टू द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द माइन। कि माइन से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से लोकल वाले बंदे खुश नहीं। अ प्लूरलिस्ट अप्रोच वुड बी टू ओपन द माइन बट एंश्योर दैट इनफ मनी इज स्पेंट टू मिनिमाइज द डैमेज टू लोकल एनवायरमेंट, perhaps guaranteeing that the site will be fully restored once mining operation has ceased. Basically point kya keh raha hai ki isme jab wo mine kholi to basically wo mine kholi gayi thi shareholders ke profit ke liye, lekin baad mein ye bataya ki wo jo mine hai agar wo khulegi to local residents ko bahut nuksan hoga kyunki environment pe bahut damage hoga, pollution hoga, pollution se kya hoga ki hawa mein pollution, saans mein problem aayegi, jaise Delhi mein ho raha hai. To plural se approach kya hogi, wo kya rahega ki wo dekhega ki main shareholder ka fayda bhi karu प्लस मैं इतना भी ध्यान रखूं कि मेरी जो कॉस्टिंग है वो भी खराब ना, वो चीज का ध्यान रखेगा कि मेरी कॉस्टिंग खराब ना। ठीक है, ये होता है मेरा प्लूरलिस्ट अप्रोच। इसके बाद आता है रिलेटिविस्ट वर्सेस एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिससे हमें पता लगता है कि सिचुएशन में क्या आंसर देना है। एक सेकंड रुको, मैं चेक करूं चैप्टर कितना रह गया। So relativism approach क्या होती है? This is the view that there is no universal moral code with which to judge all actions. This means that whether something can class as ethical or not depends upon circumstances. अब relativism क्या कहता है कि भाई decision लेना है या नहीं लेना ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये मुझे situation के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। हो सकता है situation favorable हो सकता है unfavorable। अब अगर जैसे वो fraud वाली situation थी, अगर मान लो कंपनी कहते हैं ये फ्रॉड हुआ है, मैं मान लो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, लेकिन अगर हम इसको नहीं दिखाते तो दो साल में हम सब कुछ रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे भी पता होता है। तो हो सकता है सर्कमस्टांस देख के वो लिखा हो, वो फ्रॉड ना बताऊं। सो रिलेटिविज्म अप्रोच क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन यूनिवर्सल नहीं है, कैसे लेना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक आवर डिसीजंस। सो व्हाट इफ समवन स्टोल अ ब्रेड टू फीड देयर स्टार्विंग फैमिली। अब तुम क्या बोलोगे, चोरी तो करी है बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर स्टार्विंग फैमिली के लिए करें तो यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन। सो दिस इज अ रिलेटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, सो रिलेटिविज्म ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ की मांग कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट लाइन है। रिलेटिविज्म्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट इट एक्सेप्ट्स दैट डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स विल हैव डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। हर बंदे की अलग सोच होगी कि क्या सही है क्या गलत। तुम अगर किसी को मार रहे हो, इसकी सोच होगी यार कितना गंदा बंदा उसको मार रहा है, मेरी सोच होगी हो सकता है उस बंदे ने कुछ काम किया हो तभी पढ़ रहे हैं उसे। डिफरेंट सोच, हर बंदे की डिफरेंट सोच होती है, रिलेटिविज्म ये मान के चलते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली
Relativism is often argued to be an excuse for organizations and individuals to do whatever they like and continue with unethical behavior. Relativism approach को negative माना जाता है. Reason क्या है? वो ये बोलते हैं, यार मुझे तो सही लग रहा था. अब गलत हो गया मैं क्या? मुझे तो सही लग रहा था. मुझे लगा ऐसा होगा. मैंने कंपनी में environment को बचाने के लिए ये करा. करा कुछ नहीं था. छोटा मोटा वो लगाया. अब नहीं चली तो मेरी क्या गलती? मुझे लगा चलते. तो इस चीज का रिलेटिविज्म बेनिफिट उठाता है कि हमें लगा था वो चीज सही है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया मुझे जाके स्टॉक काउंट करके आना, मुझे स्टॉक काउंट करके आना, ठीक है. मैं गया, मैंने कुछ नहीं काउंट किया, पैसे खा के वापस आ गया. जैसे ऑडिटिंग में चीज होती है, पैसे खा के वापस आ गया. वापस आने के बाद जब मैं आया तो उसने पूछा तुमने चेक किया? मैंने कहा हां किया. कल मुझे उसने पूछा कि वहां से बता रहा तुम चेक नहीं किया? मैंने कहा मैंने चेक किया था. अब इतना सारा स्टॉक था, एक दिन में ऑप्शन का चेक करने, तो मैंने वैसे ही बस सैंपल साइज देख के उसे कैलकुलेशन कर ली, मेरे को ठीक लगी वो चीज. तो तुम इस चीज को या मैं जा रहा था, मैंने चलते चलते एनालाइज कर लिया, चार क्रेट पड़ी, एक क्रेट में इतना होता है, तो मैंने वैसे ही काउंट कर लिया. सो रिलेटिविज्म इस चीज को बहुत बेनिफिट देके चलता है. सो नॉर्मली रिलेटिविज्म नहीं चलता. इसके बाद आती है एब्सोल्यूटिज्म, मतलब गलत है तो गलत है, सर्कमस्टांस से कोई फर्क नहीं पड़ता. काम अगर गलत है तो गलत ही रहेगा चाहे कोई भी सर्कमस्टांस. So this approach to ethics argues that certain actions are inherently right or wrong regardless of their context or the circumstances they occur in. चाहे चोरी करी है अपना घर चलाने के लिए, अब तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, सोचो वो बच्चा तुम्हारे पास आके रोए मेरी मम्मी को खाना खाना था इसलिए मैंने फोन चोरी किया, ये बेच के घर में मम्मी को खाना दिया. नहीं, जब भी सच्ची क्या होगा उसने घर जाके पार्टी करनी होगी. How do you know कि वो सच बोल रहा है? तुमने अप्रोच जो तुम कह रहे दैट इज रिलेटिविज्म अप्रोच. एब्सोल्यूट पर अप्रोच में भाई गलत है तो गलत है, अब तो तू जेल जाएगा. तूने चोरी करी है चाहे करवाओ कि ना, मेहनत करके काम कर, चोरी क्यों कर रहा है? कोई मेहनत करने से मना कर रहा है? लेबर बन जा, कहीं जाके घर बना, ये क्या कर रहा है? ज्यादा है तो सड़क पे भीख मांग ले, चोरी क्यों कर रहा है? है ना? तो दैट इज एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच. सो फॉर एग्जांपल एन एब्सोल्यूटिज्म वुड रिगार्ड the taking of a human life as entirely unacceptable regardless of the contract whether it was murder or self defense. अगर तुमने self defense में किसी को मार दिया, relativism क्या बोलेगा? कि वो मेरे को मारने आया था, अब मेरे को वो मार रहा था, मैंने उसको मार दिया, तो self defense. और कई लोग उसका negative फायदा उठाएं, किसी को मार देंगे कि वो मेरे को मारने आया था, मैंने उसको मार दिया. बहुत सारे लोग गुड़गांव में क्या करते हैं, गन्स रखते हैं अपने पास, इसलिए नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते कि अपने self defense है, इसलिए जब जिसका मन आया उसको ठोक दो. और बाद में बोलेंगे वो मेरे को मार रहा था, वो मेरे को मारने लगा था, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा. कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन थी, वो बंदा तो गया, कोई क्या मेरे रिकॉर्ड नहीं हो. एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच क्या होगी? भाई मारना तो गलत है, तू हाथ तोड़ देता, हाथ पे गोली मारता, पैर पे गोली मारता, तूने सीधा खोपड़ी में मारे, पैर पे गोली मार देता, क्या दिक्कत है? दिस इज एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच, ठीक है. So the main strength of absolutism is that it provides a framework of rules that are easy for individual and company to follow. कि यहाँ पे rules मतलब कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही, and everyone has to follow that. ठीक है? Absolutism may also lead to problems where absolute rules conflict with one another. For example, what if you have steal something to save someone's life? अगर एक medical store पे या एक बंदा है उसको अस्थमा की problem है, he's about to die. सामने मेडिकल स्टोर है, यू डोंट हैव द मनी, तुम भाग के वहां से अस्थमा वाले को लाके पंप इसके मुंह में लगा दिए, तुमने चोरी करी बट किसी की जान बचाने के लिए. अब एब्सोल्यूटिज्म वाला क्या कहेगा? चोरी करनी तो गलत है, लेकिन रिलेटिविज्म इस केस में सही है, हमने किसी की जान बचाने के लिए करी है, तो वहां पे एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच नहीं चलता. सो नोट दैट एब्सोल्यूटिज्म इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ डियोटोलॉजिकल एथिक्स. This is linked to the work of German philosopher. ये चीज़ तुम छोड़ दो, इसके एग्जाम से कोई लिंक नहीं है. Just एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. I don't want to follow this method. ठीक है? Illustration है इसमें. चलो. Understanding two illustration है. फटाफट से करते हैं. दो मिनट के लिए आगे बंद कर दो अपनी. चलो. Read the question and tell me the answer. And if you know the answer, then tell me why is that the answer. Redundant मतलब जॉब से निकाल दो.
कि स्टाफ रिटेंशन मतलब जॉब से निकाल दिया वो कुछ नहीं आता था मेरा बैठ किसी का नुकसान नहीं करना किसी भी एक ग्रुप का नुकसान नहीं करना दैट इज राइट दैट इज राइट सर बट यहां पे यूटिलिटेरियन भी लग सकता है क्योंकि ये इनवॉइस का फायदा कर रहा है इसने इनवॉइस का फायदा कर रहा है ना हां तो यूटिलिटेरियन और प्लूरिस्ट के बीच में व्हाई यू हैव चोजन प्लूरिस्ट दैट आई नीड टू देखो इसमें ये चीज क्लियर दिख रही है कि इसने इनवॉइस का फायदा कर रहा है हां कि इनवॉइस को जॉब से नहीं निकाला उनकी सैलरी कम कर दी इसमें इसने इनवॉइस का फायदा करा तो वो तो यूटिलिटेरियन हो गया कि एक अपना फायदा ना देखे पूरे ग्रुप का फायदा हो प्लूरलिस्ट क्यों आंसर है सर इसमें ग्रुप का फायदा सिर्फ ग्रुप ही का फायदा नहीं किया शेयर होल्डर्स का भी फायदा किया शेयर होल्डर्स का भी फायदा किया सर मैं समझा शेयर होल्डर्स का फायदा कैसे किया कि उनकी भी कॉस्टिंग बचा ली सैलरी भी कम कर दी शेयर होल्डर भी खुश है और किसी को नौकरी से ना निकाल के इसने सबका पैकेज ही कम कर दिया कि एम्प्लॉइज भी खुश है कि कोई मेला नहीं बैठा काम सबको मिला हुआ है और शेयर होल्डर भी खुश है कि हमारी कॉस्टिंग भी पूरी हो रही है जो हम कॉस्ट कट करना चाहते हैं तो दैट मींस पूरे इसने सारे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट रखा है दैट्स व्हाई दिस इज प्लूरल सपोज यूटिलिटेरियन सिर्फ ग्रुप का फायदा देखता सिर्फ एम्प्लॉइज का सबका नहीं देखेगा ठीक है ये होता है हमारा अप्रोच में फर्क है यार लिखा तो नहीं कहां पे कम कर दिया उसने नहीं मतलब है जो इज द मैनेजर इन कंपनी ए ही हैज 20 एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट्स टू हिम एंड ही हैज बीन टोल्ड दैट ही नीड्स टू रिड्यूस द नंबर बाय 1 एक नंबर से कम करना है क्यों कॉस्टिंग कम करने के लिए अगर एक एम्प्लॉई हटाना है क्या रीजन होगा पैसे कम करने तो उसने एक बंदे को निकालने की बजाय सबकी सैलरी 1/20 कर दी जिसकी 20000 थी उसकी 19000 हो दैट मींस नुकसान कुछ नहीं हुआ सबका फायदा हुआ तो वो है सेंस कि उसको ऑर्डर ऊपर वाला नहीं दिया होगा मतलब ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया तो ऊपर वाले भी खुश है उसने बोला कि देखो अगर मैं निकाल दूंगा एक को कल को वो बंदा बेचारा करेगा क्या घर में नौकरी मिलेगी तो बेटर है ना सबकी सैलरी कम कर देते बात वही होती है कि अभी काम भी है सैलरी कम कर देते लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे नौकरी से नौकरी में रहेंगे भी आपको भी पर्पस फुलफिल हो गया उनका भी पर्पस ऑल स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी एंड एज अ मैनेजर आई हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन आई एम आल्सो हैप्पी ये होता है हमारा सिर्फ इसका आंसर है प्लूरलिस्ट ठीक है चलो बाकी काम करेंगे कल एंड आज थोड़ा सा स्लो गया भाई टॉपिक कल हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे मैं कोई इंटरव्यू में एक चैप्टर करता हूं ठीक है चलो बाकी मैं ना तुम्हारे को ये सारी वीडियो